इस जनरेशन में इनफर्टिलिटी का काफी इशू है, जिसकी वजह से इजीली कंसीव नहीं हो पाते। इंडियन वुमेन की जो बॉडी है वो ट्विंस के लिए केपेबल नहीं है। अगर हमको इस बारे में पहले से पता होता कि ट्विंस रखना बहुत अनसेफ है और उसमें से दोनों में से एक बच्चे का बचना मुश्किल होता, तो शायद हम ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं रखते। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। आई इस वीडियो में आपको यह जानकारी देता हूँ युवा प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी से माँ और बेबी में क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और ट्विन प्रेगनेंसी ना हो और अगर हो गई हो तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए पेरेंट्स को। दोस्तों, अगर आप लोगों ने आस्था चिल्ड्रन अस्पताल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, यह देखने में आ रहा है कि युवा प्रेगनेंसी का इंसिडेंस इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहा है। इसकी जो मुख्य वजह है, एडवांस एज में और इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा प्रेगनेंसी हो रही है। और काफ़ी बार पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं कि एक ही बार में परिवार कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता रहता है कि युवा प्रेगनेंसी से माँ और बेबी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि युवा प्रेगनेंसी से माँ में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मिसकैरियज, एबॉर्शन, बर्थ डिफेक्ट, बच्चे में जन्मजात व्यंगता, ट्विन वैनिशिंग सिंड्रोम, एक बच्चे की गर्भ के अंदर जान जाना, प्रेगनेंसी समय जो है माँ का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बढ़ना, पानी का लेवल बढ़ना, समय से पहले अचानक पानी की झिल्ली फटना, दर्द या बिना दर्द के साथ, या फिर ब्लीडिंग हो जाना, समय से पहले डिलीवरी होना, डिलीवरी जो है सीजर ऑपरेशन के द्वारा होना, पोस्टपार्टम हेमरेज होना, यह सब कॉम्प्लिकेशन मदर में होने की संभावना बनी हुई रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। युवा प्रेगनेंसी से बच्चे में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्री मैच्योर बेबी, शिशु का समय से पहले पैदा होना, अर्थात 37 हफ्ते के पहले पैदा होना। ये देखने में आ जाए 70 से 80% बच्चे जो है 37 हफ्ते के पहले पैदा हो जाते हैं, और 15 से 20% जो बच्चे जो है 32 हफ्ते के पहले पैदा होते हैं, यानी एनआईसी की जरूरत पड़ जाती है। आईयूजीआर बेबी, अर्थात इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, माँ के गर्भ के अंदर शिशु की ग्रोथ बराबर न होना। बहुत बार देखने में आता है कि एक बच्चे का वजन 1.25 किलो है, दूसरे बच्चे का वजन 1 किलो 500 ग्राम है, अर्थात जो कम वजन वाले बच्चे उसकी ग्रोथ नहीं पाई, इससे कम लोग आईयूजीआर बेबी, और इनके जो है भविष्य में शारीरिक विकास में दिक्कतें आती है, यह भी देखने में आता है। स्टिल बर्थ, काफ़ी बार माँ के गर्भ में जो है बच्चे की जान चली जाती है। युवा प्रेगनेंसी में शिशु समय से पहले कम वजन के पैदा होते, इसलिए नहीं यूराइसिस में भर्ती करने की जरूरत पड़ती। यहाँ पर जो है सांस की तकलीफ होना, पेट में सूजन आना और भी दूसरे कॉम्प्लिकेशन की संभावना ज़्यादा रहती है जुड़वा बच्चे में, और साथ में जान जाने का भी खतरा बना रहता है। जुड़वा बच्चे में जो है शिशु को जो है माँ का दूध अच्छे से नहीं मिल पाता, काफ़ी बार कम मात्रा मिलता है, बहुत सारे शिशु दूध नहीं पी पाते, शिशु को ऊपर के दूध पर ही रहना पड़ता है, इससे जो है भविष्य में के शारीरिक विकास में दिक्कतें आती है। जुड़वा बच्चों में शारीरिक विकास में क्या दिक्कतें आती है, ये बच्चे जो है बिल्कुल अंडरवेट रहते, थिन बिल्ड रहते, साथ में कई बार देखना इनकी हाइट भी कम हो जाती है, दोनों बच्चे की हाइट में बहुत डिफरेंस भी रहता है। इन बच्चों के मानसिक विकास में क्या क्या दिक्कतें आते हैं, ये अपनी क्रिया जो है काफ़ी लेट सीखते हैं, समय पे नहीं सीख पाते हैं, ये लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। इनमें अटेंशन की प्रॉब्लम, मेमोरी, हाइपर एक्टिव, स्पीच की प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी बार ऑटिज़म की प्रॉब्लम भी रहती है, और काफ़ी बार ऐसे बच्चों को जो है ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी की जरूरत रहती है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। युवा बच्चे में जो है नॉन कम्युनिकेबल बीमारी होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। सांस की तकलीफ, आस्थमा, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, हड्डियों की कमजोरी, कैंसर, यह सब बीमारी होने की संभावना इन बच्चों में ज़्यादा रहती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जुड़वा प्रेगनेंसी ना हो और अगर जुड़वा प्रेगनेंसी हो गई तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। नंबर 1, अगर आप इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आप यहाँ पर डॉक्टर से कहिएगा कि हमें सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर ना करें, जिससे जुड़वा प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। नंबर 2, अगर आपको 11वें हफ्ते पता चल गया कि आपको जुड़वा प्रेगनेंसी होने वाली है तो ऐसे में आप प्रॉपर मार्गदर्शन लें और यह जानकारी लें कि क्या ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। इससे माँ को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या बेबी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कितने % संभावना है कि शिशु समय से पहले पैदा हो जाए, और अगर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा है माँ या बेबी में तो ऐसे में आप डबल प्रेगनेंसी को सिंगल प्रेगनेंसी में रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक बच्चे की अच्छे से ग्रोथ होगी और वह पूरे समय पैदा होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आइए दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें 6 साल के बाद इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा प्रेगनेंसी हुई, और जब उन्हें पता चला कि जुड़वा प्रेगनेंसी बहुत ही खुश हुए, लेकिन जब 6 महीने बाद इन्हें पता चला कि एक बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही और दूसरे बच्चे की ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ रहा है, तो उसने समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ी और यहाँ पर एक बच्चे की जान भी चली गई। तो यहाँ पर ये अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। हमारी जो जर्नी रही है आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारी शादी 2017 में हुई थी। हम चाहते थे कि कुछ साल के बाद हम बच्चा कंसीव करें, तो हमने कुछ सालों का गैप लिया था, लेकिन फिर जब हमने प्लान किया कि अब बच्चा करना चाहिए तो कंसीव में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, इजीली नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा था। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के से ट्रीटमेंट चला हमारा। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि इस जनरेशन में इनफर्टिलिटी का काफ़ी इशू है, जहाँ पर फीमेल या मेल हो फीमेल हो कोई ना कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस होती है जिसकी वजह से इजीली कंसीव नहीं हो पाते, और इसीलिए फिर हम जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान जो मेडिसिन होती है उससे ओव्यूलेशन को फास्टन करने या ओव्यूलेशन को बेटर करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है, और उसी प्रोसेस में एक की जगह दो एग भी फॉर्म होते हैं। और इसी दौरान जैसे कि पता है सभी को कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, तो वो दोनों एग फर्टिलाइज होकर ट्विंस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो फैमिली कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट लेती है उनमें ट्विंस के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हर महीने दो एग बनते हैं। हम इस चीज़ से काफ़ी अनजान होते हैं कि इस प्रोसेस में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है, और फिर जब जैसे जैसे 9 महीने हमारे गुजरते हैं तो हमको उसकी पता चलती है। तो हमारे केस में भी जैसे ही हमको पता चला कि हमको ट्विंस से हम बहुत खुश हुए, लेकिन हर महीने के सोनोग्राफी में हमको पता चला कि हमारा जो एक बच्चा है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही थी। जब डॉक्टर से बार बार पूछा तो उन्होंने यही कहा कि शायद वो न्यूट्रिएंट्स मेरे पेट से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। तो फिर भी डॉक्टर ने पेशेंस रखा और उन्होंने 8 महीने ट्रीटमेंट कराई, लेकिन फिर ग्रेजुअली जो दूसरा बच्चा था हमारा वो उसकी मूवमेंट कम होने लगी, और फिर डॉक्टर ने सोनोग्राफी की जो प्री प्लान नहीं था तो भी डॉक्टर ने कहा कि सीजेरियन करना पड़ेगा और दोनों बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो 8वें महीने की जो शुरुआत थी, और 8वें महीने में बच्चा अगर होता है तो हमको NICU में जाना होता है। तो तभी हम नागपुर से ही हैं तो हमने खोज की कि नागपुर में कहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है NICU की, और कहाँ अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा उनकी देखभाल की जाती है। तो तब हमको डॉक्टर प्रवीण खापेकर सर के बारे में पता चला और हमने उनसे कंसल्ट किया। तभी उन्होंने हमको ट्विंस के केसेस की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बताई। अनफॉर्चुनेटली इस बारे में हम पहले अनजान थे और सर से हमको इस बारे में जानकारी मिली। फिर जब सर ने हमारी पूरी फाइल देखी तो उन्होंने शुरू से ही जो रियलिस्टिक चीज़ें थी कि एक बच्चे का बचना काफ़ी मुश्किल है, ऐसा उन्होंने क्लियरली बताया था। लेकिन फिर भी इमोशनली हम पेरेंट्स हमको एक उम्मीद होती है कि कुछ होगा। तो ऐसे में हमारा नेक्स्ट डे ही सीजर हुआ, दोनों बच्चे यहाँ पर आए। यहाँ पर ये सुकरात है तो ये 1.5 महीना यहाँ पर एडमिट था। एक और हमको बेटी थी, वो 13 दिन ही जी पाई। उसके पेट में इंटेस्टाइनल पाइप्स में पोर्स थे, जिसकी वजह से शायद वो मेरे पेट में भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी और बाहर भी नहीं कर पा रही थी। तो सर ने ये चीज़ शुरू से ही हमको बता दी थी कि इस बच्ची की बचने के चांसेस बहुत कम है, और उन्होंने हमको उस रियलिटी के लिए काफ़ी प्रिपेयर किया था। और फिर वो 13 दिन के बाद चली गई। 1.5 महीना जब हमारा बच्चा यहाँ पर था तो हम काफ़ी निश्चिंत थे, क्योंकि उसकी जितनी भी ज़रूरत थी, जो भी देखभाल होनी चाहिए थी एक हॉस्पिटल में, वो काफ़ी अच्छे से हुई। अभी भी साल भर से उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उसकी ग्रोथ और माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और उसका सारा क्रेडिट मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर सर को देना चाहती हूँ। जैसे मैं अपनी जर्नी से ये बताना चाहूँगी कि ट्विंस होना ये एक माँ बाप के लिए खुशी का मौका होता है, लेकिन उसके साथ आने वाले कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। इंडियन वुमेन की जो बॉडी है वो ट्विंस के लिए कैपेबल नहीं है, ये ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आता है। हम आसपास देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के परिवारों में 2 बच्चे हो गए तो हमको लगता है हमको क्यों नहीं होंगे, या अगर हो गए तो क्या दिक्कत होगी। बट सिर्फ बच्चा पैदा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चा पैदा होने के बाद वो कितना सुदृढ़ है, वो बड़ा होके उसका फिजिकल मेंटल हेल्थ कितना अच्छा है, वो भी काफ़ी मतलब वो भी उतना ही मायने रखता है, इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चा पैदा हो गया। पर 10 में से 9 केसेस ऐसे ही हैं जहाँ पर दोनों बच्चे आइदर एक हेल्दी है या एक नहीं है, या फिर दोनों अनहेल्दी है। इन जनरल ट्विंस होना और दोनों का हेल्दी होना, ये इसके चांसेस बहुत कम है। तो मैं सबसे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके ट्विंस है तो पहले आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे पूछिए कि दोनों ट्विंस हेल्दी हैं, उनको रखना कितना सही है। हम इमोशनली तो बहुत खुश होते हैं कि दोनों बच्चे हैं हमारे पास, पर हम रियल लाइफ के जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो उसके बारे में आप पहले डॉक्टर से सलाह लें और फिर डिसीजन लें। मेरा नाम हिमांशु है, मैं सना का हस्बैंड हूँ और सुकरात का पापा हूँ। मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स जो चाह रहे हैं कि कंसीव करें, सबसे पहली चीज़ कि अपनी उम्र को देखिए। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंसीव करने के लिए, स्पेशली आज के एज में जहाँ पे हम एक लाइफ स्टाइल ऐसी जी रहे हैं जहाँ पे हम 2400 घंटा 24/7 360 degrees प्रोसेस फूड्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से सराउंडेड है, जहाँ पे ये सारी चीजें हमारी फर्टिलिटी को बहुत हैम्पर करती है। तो ऐसे में आपका अगर कंसीव का डिसीजन है, अगर आप चाहते हैं कि एक जान को इस दुनिया में लाए, तो पहले किसी अच्छे डॉक्टर से कंसीव कीजिए। और मेरी नजर में डॉक्टर प्रवीण खापेकर सर काफी एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस चीज को काफी करीब से देखा है, तो वो एक मेरे रिकमेंडेशन रहेंगे कि आप इनके पास आइए, देखिए कि आप लाइफ के कौन सी स्टेज में, किस तरह से आप कंसीव करना चाहेंगे और आप कब कंसीव करना चाहेंगे, आपकी आप कितने हेल्दी हैं, आप किस तरह से कंसीव करना चाहेंगे, सारी डिटेल्स आप सर से ले लीजिए। इनके काफी सारे वीडियोस हैं, काफी हेल्पफुल होते हैं इनके वीडियोस। आप उनकी वीडियोस को देखिए, कंसीव करने के पहले अगर आप ये देखें तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि आप किस तरह से अपने कंसीव की जर्नी को प्लान करेंगे, किस तरह से अपनी जर्नी को प्लान करेंगे। अगर हमने ये कंसीडरेशन पहले किया होता तो शायद हमारा जो बच्चा है वो आईजीआर नहीं होता, शायद वो हेल्दी बच्चा होता, और हम इस सारी जो पीड़ा है जिससे हम गुजरे हैं उससे शायद हम बच जाते हैं। हमारी जर्नी से मुझे सच में बहुत रिग्रेट है कि हमको ट्विंस थे और ट्विंस में से एक बच्ची हमारी बच नहीं पाई। अगर हमको इस बारे में पहले से पता होता कि ट्विंस रखना बहुत अनसेफ है और उसमें से दोनों में से एक बच्चे का बचना मुश्किल होता, तो शायद हम ये ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं रखते। जब हम अपने प्रेगनेंसी की प्रोसेस या जर्नी में होते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा सारी कंसल्टेशन है, काउंसलिंग जो है वो हमें गायनेकोलॉजिस्ट से ही हम लेते रहते हैं। और सोनोग्राफी के दौरान बच्चों की जैसी भी ग्रोथ हो रही है हमारे डॉक्टर्स हमको बताते रहते हैं। लेकिन मेरे जर्नी से मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इस दौरान आप किसी अच्छे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर प्रवीण खापेकर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो 1000 डेज का जो उनका प्रोग्राम है, उसमें जब बच्चा कंसीव होता है वहां से जर्नी उसके 1000 दिन तक, उसके डेवलपमेंट तक, तब तक बच्चों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। इन जनरली ये देखा नहीं जाता, बट यहाँ पर आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चा जब पेट में है तब से उसके डेवलपमेंट को लेकर खासकर उसका ध्यान रखा जाता है। तो आप जब अपने प्रेगनेंसी के जर्नी में है तो अलोंग विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट आप चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट से भी बात कीजिए और अपने बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर जो भी उसका जो केस है वो समझ के लेने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जैसे पेरेंट्स आप लोगों ने सुना कि कैसे जो हुआ प्रेगनेंसी की वजह से जो एक बच्चे ग्रोथ नहीं पाई और उसकी जान चली गई और दूसरे बच्चे की ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ा। तो जहाँ तक हो सके हमें ट्विन प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर मदर की ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के पहले माता पिता को अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर कराना चाहिए, मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको यह जानकारी दूंगा कि ट्विन प्रेगनेंसी को हम सिंगल प्रेगनेंसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं, और यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो है ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।